उंड uh, वही स्टीमर वाला क्वेश्चन है ठीक है ओके okay, इसमें क्या था ऑलरेडी स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर from one point to another okay in nine hours in nine hours full stop it covers it covers the same distance it covers the same distance upstream it covers the same distance upstream in ten hours ओके देन वट इज गिवन इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज हाउ मच बी वन किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर मतलब फाइंड स्पीड ऑफ बोट एस बी लिख्रॉम इन शॉर्ट ओके एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स ठीक है चलो ओके okay. अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ठीक है अच्छा यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फंड ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स ठीक है तो आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा ओके डू वॉच दैट वीडियो बोट्स एंड स्ट्रीम्स देन यू विल कम टू नो अबाउट इट ठीक है बोट्स एंड स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन uh, है जो जो फंडा है इट इज़ वेरी इजी ठीक है तो आप एक बार उस फंडे को ज़रूर देखिएगा ठीक है चलो इसको एक बार करके देखते हैं इट्स वेरी इजी ओके अच्छा अस्टीमर गोज़ डाउनस्ट्रीम ठीक है तो कुछ फॉर्मलेज आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर ठीक है यू शुड नो डाउन के केस में ठीक है हम डाउन स्ट्रीम लिखते हैं और उसमें डाउन में स्पीड ऑफ बोर्ड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग करते हैं ठीक है कैसे करते हैं क्यों करते हैं ये मैंने ऑलरेडी बच्चों को बताया है काफ़ी जो बच्चे नए हैं यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर ज़रूर उसको देखिएगा ठीक है अच्छा अप स्ट्रीम के केस में एज यू ऑल नो अप्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ठीक है इफ़ आई एड दिस टू इक्वेशन ऑन एडिंग वट आई गेट आई गेट SD डी प्लस एस यू इन द लेफ्ट एंड साइड SB बी प्लस एस बी विल गोइंग टू बी टॉइस ऑफ एस एंड एस एस माइनस एस एस विल गोइंग टू गेट कैंसिल्ड तो यहाँ से एस बी कितना आ जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन टू इसको तो मेमोराइज़ करना भी बहुत ईजी है ठीक है सिमिलरली फिल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट एस एस इज इक्वल टू एस डी माइनस एस यू अपॉन टू ठीक है सो यू शुड रिमेंबर दिस टू फार्मूलाज ओके ऑन सब्ट्रैक्टिंग यूल गोइंग टू गेट दिस ओके सो यू शूड रिमेंबर दिस इसी इन्हीं दो के ऊपर दो फॉर्मूलाज के ऊपर यू विल फाइंड इन्ही दो फार्मूलाज के ऊपर यू फाइंड कि क्वेश्चन आराम से आपका हो जाने वाला है ठीक है अच्छा अब क्या करने वाले हैं हम लोग तो अब हम लोग क्या गिवन है हमें द द स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ठीक है अब सी वट ऑल थिंग्स आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें दिया क्या है पहले आप वो देख लो ठीक है स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओके okay. अब इसमें आपको सपोज एक पॉइंट ए है ठीक है एक पॉइंट बी है ओके और ये अगर पानी का फ्लो है तो ये जो डायरेक्शन होगा इट विल बी कॉल्ड डाउन स्ट्रीम और इसका अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम ठीक है जब हम नदी के साथ जाते हैं जिस डायरेक्शन में नदी चल रही है अगर हम उसके साथ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डाउन अच्छा स्टीमर गोज़ डाउन स्ट्रीम फ्राम वन पॉइंट टू इन नाइन आवर्स ठीक है डाउन स्ट्रीम जा रही है इसका मतलब ए टू बी जाने में कितने घंटे लग रहे हैं नाइन आवर्स ओके एंड इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन टेन आवर्स और वापस आने में अगर मैं टाइम अगर मैं डाउन स्ट्रीम का टाइम लूँ टी डी सो दैट इज़ नाइन आवर्स अगर मैं अप स्ट्रीम का टाइम लूँ टी यू वापस आने में क्योंकि जाहिर सी बात है ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो टाइम ज़्यादा लगेगा टेन आवर्स ओके सो इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अब आपको एस एस दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दी है वन किलोमीटर पर आवर ओके तो डिस्टेंस अब आप डी किलोमीटर ले लो सपोज डिस्टेंस ए टू बी इज डी किलोमीटर ओके सो इन द इन इन द केस ऑफ पहला केस लेते हैं हम डाउनस्ट्रीम का ठीक है तो डाउनस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस है डी किलोमीटर ए टू बी डाउनस्ट्रीम है ए टू बी ठीक है डिस्टेंस डी किलोमीटर है टाइम कितना है टाइम है नाइन आवर्स ओके तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस इज डी टाइम इज नाइन डी बाई नाइन किलोमीटर पर आर आ जाएगी स्पीड ठीक है सिमिलरली ऐसे ही अगर आप निकालेंगे अपस्ट्रीम का केस अपस्ट्रीम का केस अपस्ट्रीम है बी टू ए ठीक है अपस्ट्रीम के केस में भी डिस्टेंस इज सेम डिस्टेंस इज हाउ मच डी किलोमीटर टाइम इज हाउ मच टेन किलोमीटर ओके और यहाँ से हमारा आ जाएगा एस यू अप स्ट्रीम के केस में एंड दैट विल बी अगेन डिस्टेंस स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम सो डी अपॉन टेन किलोमीटर पर आर अब आपको एस एस दिया है तो एस एस वाला फार्मूला विल गोइंग टू यूज़ ठीक है एस एस वाला फॉमूला क्या होता है वाई वाई वी आर गोइंग टू यूज एस एस वाला फार्मूला स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाला फॉमूला यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि वो गिवन है ठीक है तो बड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए उसको सॉल्व करना ठीक है सो वट इज़ स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको पता है एस डी माइनस एस यू अपॉन टू सो एस एस इज गिवन वन एस डी कितना है आपका एस डी आए डी बाई नाइन ओके एस डी वॉज डी बाई नाइन एस यू इज डी बाई टेन ओके एस डी इज डी बाई टेन वेट ओके ओके, ठीक है सो माइनस डी बाई टेन अपॉन टू ठीक है इफ़ विल सॉल्व दिस इसको सॉल्व करना है विल गेट डी ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा ओके सो टू विल बी इज इक्वल टू नाइन एंड टेन एलसीएम विल बी नाइनटी ओके और टेन डी माइनस इन डी okay. ओके so, सो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई डिस्टेंस विल बी जिक्रो नाइन्टी टू जो वन एट्टी किलोमीटर वेरी इजी डिस्टेंस आ गई वन एट्टी किलोमीटर अब आपको क्या निकालना है यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट ऑल्सो तो एस बी अब अब यहाँ से देखो अब जब डिस्टेंस आ गया तो यहाँ से आपका एस डी आ जाएगा एस डी विल बी नथिंग बट डिस्टेंस वन एटी बाई नाइन ठीक है तो ये आ जाएगा ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर और एस यू कितना आ जाएगा अगेन वन एट्टी बाई टेन डी बाई टेन है ना एस यू टेन तो ये आ जाएगा एटीन किलोमीटर पर आर अब आप एस बी भी निकाल सकते हैं अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ बोट विल बी नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट होती है एस डी प्लस एस यू अपॉन टू तो एस डी इज हाउ मच ट्वेंटी प्लस एटीन अपॉन टू थर्टी एट अपॉन टू नाइनटीन किलोमीटर पर आवर ठीक है ओके वेरी इज़ी वेरी गुड वेरी गुड ईशान बहुत अच्छे ठीक है तो आई होप कि आपको फंडा समझ में आया है ओके okay?